रुक करते हैं आज की सुपर फास्ट खबरों की ओर। खजुराहो 5 अगस्त आज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से भगवान राम के भक्तों ने विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना, हनुमान चालीसा एवं राम धुन के संगीतमय ध्वनि से एक तीर्थ स्थल के रूप में दर्शनार्थ हुआ। बुंदेलखंड के प्रतिष्ठित मतंगेश्वर महादेव मंदिर में आज प्रातः की आरती में शिव भक्ति के साथ श्री राम जी का जप एवं हनुमान चालीसा एवं महामृत्युंजय मंत्र का पाठ हुआ। मंदिर प्रांगण में चारों तरफ श्री राम के जय जयकारों के साथ दीप प्रज्वलित कर हवन पूजन किया गया। राम भक्ति मंडल में भाजपा नेता पंडित सुधीर शर्मा, चाली राजा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट आर के उपाध्याय, व्यापार संघ के मनोज गुप्ता एवं राकेश गुप्ता, समाज सेवी छोटे लाल तिवारी, गगन विश्वकर्मा, रमाकांत गुप्ता, नरेंद्र अग्रवाल, दिनेश विश्वकर्मा, महेश रैकवार, महेंद्र दुबे आदि उपस्थित रहे। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पे हम बैठे हुए हैं हमारी खजुराहो की और बुंदेलखंड की एक महत्वपूर्ण महिला जिनकी इच्छा के राम मंदिर बने, हम इनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। नमस्ते, आपका क्या नाम है? आपको प्रेम से लोग क्या बोलते हैं? प्रेम से नेताजी बोलते हैं। आपकी उम्र क्या है? आज राम मंदिर की भूमि पूजन है मोदी जी के द्वारा, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगी? बिल्कुल खुशी बोल कर जाएंगे, आज हमारा पूरा हो गया है कि घूमते घूमते आज हमारा दिन अच्छा आ रहा हुआ। तो भगवान मतंगेश्वर से आपने क्या मांगा था? बस हमारा राम मंदिर बने। तो आप अयोध्या कब जाएंगी? जब बन जाएगा। तो आप अयोध्या जाएंगी? जाएंगी। तो आप अब प्रसन्न हैं कि आज मोदी जी ने ये काम किया? प्रसन्न है, आज मोदी जी ने ये काम किया। धन्यवाद। ये थी हम